हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों फिर से आप लोगों ने कमाल धमाल वीडियो लेके आया हूं आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अल्फाबेट सीरीज और अल्फाबेट सीरीज के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे दोस्तों आप बहुत कुछ सीखने वाले हो तो इस वीडियो को एंड जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना जिससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले दोस्तों को बताना चाहूंगा यहाँ पर जो दिए हैं यहाँ पर आर यू एक्स ए डी इसके अगर आप नंबर याद कर लोगे ना अगर तो ईजिली

अब यहाँ पर दोस्तों ट्वेंटी फोर यहां पर वन दिया है ये कैसे करेंगे लेकिन दोस्तों वन में अगर आप प्लस थ्री करोगे तो फोर मिल जाएगा तो यहां पर वन कैसे आया तो आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर एक्स यहां पर वाई यहां पर जेड और यहां पर ए ये जो नंबर देखिए यहां पर ट्वेंटी फोर दिया इस लेटर का नंबर ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन मतलब ट्वेंटी फोर में प्लस थ्री करोगे तो ट्वेंटी सेवन होगा तो ट्वेंटी सेवन और वन दोनों इक्वली हैं, ठीक है थीके? तो 27 मतलब क्या होगा ए होगा और ए का नंबर कितना होता है वन होता इसीलिए ये इस तरह से आया ठीक है तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना अब क्या करेंगे डी है तो डी में क्या प्लस करेंगे मैं 3 प्लस करूंगा तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो लेटर आएगा वो मिल जाएगा मुझे तो क्या मिलेगा जी 7. तो 7 मतलब फोर तो मतलब गाना, मतलब गाना गाने में सात सुर होते हैं तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट right आंसर हो गया तो इस तरह से ऐसे अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर पाओगे आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा यहां पर दोस्तों क्या है

यहां पर क्या हुआ माइनस टू यहां पर माइनस टू यहां पर दोस्तों माइनस टू यहां पर माइनस टू ठीक है तो यहां पर क्या होगा फिर माइनस टू होगा तो ये टेन होगा फिर दोस्तों यहां पे होगा तो यहाँ पर होगा. तो यहां पर होगा होगा नंबर वाला लेटर कौन सा दोस्तों देखिए बहुत इजीली है टेन टेन मतलब दोस्तों होता है जे ठीक है और एट मतलब क्या होता है दोस्तों आपका यहां पर होगा एच ठीक है तो आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया J और H. इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो तो से दोस्तों आप लोगों को एक चीज बताना अमाउंट दोस्तों अनकेडमी का बहुत जल्द इंक्रीज होने वाला है लेकिन दोस्तों उससे पहले आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हो सिंपल क्या करना है दोस्तों 19 में से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको थर्टी का आपको डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ करना क्या है दोस्तों मेरा कोड यूज करना है आई एस एम ये कोड यूज करोगे तो थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो नाइन में से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए नहीं तो दोस्तों प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो आप ही का लॉस होगा और ये मैं नहीं चाहता हूं इसीलिए दोस्तों आपको ये बताने आया हूं तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो ऑल द ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर U है तो U का नंबर कितना है U का नंबर होता है दोस्तों ट्वेंटी वन बी का नंबर यहां पर टू ठीक है यहां पर दोस्तों आई दिया है आई मतलब यहां पर नाइन लिख दिया पी का अल्फाबेट नंबर कितना, कितना होता है दोस्तों यहां ट्वेंटी थ्री होता है है ठीक इतना लिख दिया मैंने कुछ लॉजिक मिल रहा है आपको क्या हो रहा है यहां पर तो ध्यान दो ट्वेंटी वन है यहां पर टू यहां पर नाइन यहां पर सिक्सटीन फिर यहां पर ट्वेंटी थ्री तो यहां से देखता हूं मैं तो ये प्लस सेवन हुआ है ठीक है यहां पर देखोगे फिर प्लस सेवन हुआ है तो यहां पर क्या हुआ ऐसा क्या हो गया ये टू आ गया तो देखिए U जो है U V W X Y Z A और यहां पर B अगर 21 में प्लस करोगे 7, कितना मिलेगा 28 मिलेगा तो लिखना स्टार्ट करिए 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28 तो देखिए

यहां पर देखोगे तो प्लस थ्री यहां पर देखोगे तो प्लस थ्री यहां पर प्लस फोर तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दो बार प्लस टू हुआ है दो बार प्लस थ्री हुआ है तो यहां पर क्या होगा यहां पर दोस्तों प्लस फोर होगा तो सिक्सटीन प्लस फोर कितना होगा दोस्तों ट्वेंटी होगा तो यहां पर ट्वेंटी लेटर कौन सा होगा तो टी ट्वेंटी सिखाया था आपको मैंने तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों आपका टी आएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इसे कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन मार्क यहां पर दिया है सबसे पहले ये लेटर जो दिए हुए उसका नंबर को लिख लीजिए यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं one, इसका four, इसका नंबर 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 क्या है दोस्तों three, F का ये क्वेश्चन मार्क यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है ओके okay? कोई बात नहीं यहां पर एच मतलब एट की तरह दिखता देखिए यहां पर जी मतलब आपको सेवन आता है याद हो गया यहां पर दोस्तों नाइन लिख लिया अब यहां पर देखते क्या होर कह रहा है यहां पर तो यहां पर देखिए प्लस में यहां पर थ्री करूंगा तो फोर मिल जाएगा यहां पर क्या हुआ है माइनस वन हुआ है तो फोर माइनस वन थ्री होगा ठीक है फिर यहां पर क्या हो गया प्लस थ्री यहां पर देखोगे तो यहां पर प्लस टू हुआ, हुआ।, तो तो हुआ है ठीक है यहां पर देखोगे तो माइनस वन तो तो और यहां पर प्लस टू ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज हमने गलत कर दिया हमने ध्यान ही दिया नहीं हमने ये क्वेश्चन मार्क को ध्यान दिया नहीं है तो यहां पर प्लस टू कहां से आएगा प्लस टू तो यहां पर नहीं आएगा तो ये रफ कर दीजिए ये भी दोस्तों प्लस टू नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहां से हम हिंट निकालेंगे हम लोग रहा है प्लस थ्री माइनस वन प्लस थ्री ठीक है तो यहां पर क्या होगा जाहिर सी बात है ये सिक्स और एट दिया मतलब क्वेश्चन मार्क यहां पर आएगा यहां से ये स्प्लिट होगा तो यहां पर माइनस वन यहां पर प्लस थ्री होगा तो सिक्स माइनस वन कितना होगा दोस्तों सिक्स माइनस वन आपका फाइव होगा ठीक है तो फाइव नंबर वाला अल्फाबेट कौन सा होगा दोस्तों फाइव नंबर वाला अल्फाबेट होगा आपका ई e होगा लिख दिया मैंने उसके बाद दोस्तों यहां पर e प्लस थ्री मतलब फाइव नंबर वाला अल्फाबेट दोस्तों आपका e है तो उसमें प्लस थ्री करोगे तो एट होगा एट मतलब क्या है आपका यहां पर h हो गया समझ में आ रहा है अच्छी तरह से चलिए उसके बाद यहां पर जी है सेवन तो यहां पर माइनस था तो यहां पर क्या होगा ऐसे बनाएंगे हम लोग तो माइनस वन फिर प्लस थ्री यहां पर माइनस वन तो सेवन प्लस कितना होगा टेन होगा टेन मतलब क्या हो दोस्तों नंबर वाला लेटर कौन सा होगा जे होगा तो यहां पर जे लिखेंगे जे अगर टेन नंबर वाला लेटर है तो यहां पर माइनस वन तो टेन माइनस वन नाइन नाइन से आई आ गया समझ में आ गया आपको तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन देखोगे ई e और जे दिया है कहां पर है ऑप्शन ए आपका राइट right आंसर हो गया दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अगर यहां पर अगर डाउट आ रहा है अगर न, आपको यहां पर डाउट आ रहा है तो ऐसे बनाना है ठीक है कंफ्यूजन हो गया होगा आपको इसलिए मैं रफ कर दिया मैंने क्लियर आगे बढ़े हम लोग चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए एक क्वेश्चन मार्क यहां पर एक क्वेश्चन मार्क यहां पर एक क्वेश्चन मार्क यहां पर और एक क्वेश्चन मार्क यहां पर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसलिए तो कहा दोस्तों कि इस वीडियो में आपका हर एक चीज कवर करूंगा तो अब क्या करेंगे यहां पर चलो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग Z मतलब कितना होगा 26 होगा क्वेश्चन छोड़ दीजिए यहां पर ये यह 20 यहां पर N का नंबर कितना होगा दोस्तों 14 यहां पर H का यहां पर 8 यहां पर दोस्तों 2 लिख दिया हमने अब ध्यान दोगे यहां पर ये यह क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कुछ नहीं करेंगे इनसे थोड़ा मैं कंपेयर करता हूं तो यहां पर सिक्स है यहां पर भी देखोगे सिक्स है यहां पर भी देखोगे तो सिक्स है और यहां पर देखोगे तो सिक्स है मतलब ये कम होते होते गया है तो बीच में दिया हुआ है तो एक काम करता हूं मैं इस सिक्स को डिवाइड बाय टू कर देता हूं तो कितना होगा दोस्तों थ्री होगा ठीक है तो यहां पर थ्री मतलब ट्वेंटी सिक्स माइनस थ्री करेंगे कितना होगा ट्वेंटी थ्री होगा ठीक है

ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14 है इसको डिवाइड करेंगे तो 3 होगा फोर्टीन माइनस थ्री कितना होगा दोस्तों आपका इलेवन होगा तो इलेवन नंबर वाला अल्फाबेट कौन सा होगा दोस्तों यहां पर एक से बढ़कर एक राजा आते मतलब किंग के लिख दिया मैंने उसके बाद दोस्तों यहां पर एच है तो एट है और यहाँ पर से डिवाइड बाई टू करोगे तो थ्री होगा तो माइनस थ्री करो कितना आपका फाइव होगा तो फाइव नंबर वाला अल्फाबेट कौन सा है दोस्तों आपका एफ है ई है, e है तो यहां पर ई e लिख दिया मैंने तो देखिए डब्लू के और यहां पर ई e, और बीच में यहां पर क्यू भी है तो यहां पर देखते कौन सा ऑप्शन है यहां पर डब्ल्यू ठीक है क्यू ठीक है के और यहां पर ई e. मतलब ऑप्शन ए आपका राइट right आंसर हो गया तो इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ठीक है अगर कुछ और हिंट लगाओगे आप तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको ऑप्शन में मैच नहीं होगा तो आपको यही ट्रिक लगाना होगा तो इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी भी मैंने इस वीडियो में में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर देना जिससे दोस्तों और भी मोटिवेट होकर मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बना सकूं तो फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए ऐसे ही प्यार देते रहिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज